बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दानाए सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज मौजूद हैं मेवा शाह के तारीखी कब्रस्तान में एक ऐसे गाजी अब्दुल कय्यूम खान वल्द अब्दुल्ला खान की मज़ार शरीफ पर के जहाँ पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। तो मामला ये है कि इन्होंने इस्लाम के लिए अपने आप को वक्फ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शौकत मजीदी, ज़िला गरबी सरपरस्त आला, गाजी अब्दुल कय्यूम अलैहिर्रहमा के उर्स मुबारक के सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए हैं और इनको सलाम अकीदत पेश करने के लिए। मेरे कायदे मोहतरम ने जो है वो हमेशा ये फरमाया कि हम गाजी के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक ये तहरीक है हम गाजियों के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज गाजी साहब के मज़ार पर हाज़िरी हुई, तमाम ज़िम्मेदारान कारकुनान तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला गाजी साहब के सदक़े हम तमाम का जज्बात को सलामत रखे। अमीरुल मुजाहिदीन जो मिशन दे के गए हैं कि इंशाअल्लाह अब इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर या बैरूनी दुनिया किसी भी जगह पर अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख पैदा होंगे तो इंशाअल्लाह उनका कलम किला कलम कला या इनका सर कलम करने के लिए फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के आशिक भी मौजूद हैं। क़य्यूम शहीद अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाजिर हैं और हमारी हाज़िरी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फातिहा खान नहीं बल्कि आज ये अहद वफा करने भी हाजिर हुए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम गाजी अब्दुल कय्यूम साहब के जो मज़ार का अहाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे PS 114 में जो है वकूए वज़ीर है और मेवा शबाबा मज़ार के अहाते में बिल्कुल मौजूद हैं। और हम मैं बिलखसूस अपने यहाँ के कारकुनान और आम मुसलमानों को ये पैगाम और दावत देना चाहता हूँ कि गाजी अब्दुल कय्यूम के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें इस मुल्क पाकिस्तान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को गालिब करना है। यहाँ गाजी साहब की बारगाह में हाजिर है। आज हमारे हाज़िरी का मकसद ये है कि हम गाजी साहब का किरदार दुनिया के सामने वाज़े करें। ये गाजी साहब का किरदार हमें ये बता रहा है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा कि नज़र अल्लाह पे रखता है मुसलमान गय्यूर, मौत क्या शय है, फ़कत आलम मानी का सफ़र, इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, कदर व कीमत में खूं जिनका हरम से बढ़कर आह, एह मर्द मुसलमान तुझे क्या याद नहीं। आज गाजी अब्दुल कय्यूम खान के मज़ार से खराज अकीदत पेश करते हुए मैं कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, मज़ार शरीफ गाजी अब्दुल कय्यूम शहीद, मेवा शाह कब्रस्तान, कराची।